जब तक सिखों के हत्यारे कमलनाथ को हटाया नहीं जाता हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। और आपको पता होगा कि जैसे 2004 में भी सज्जन कुमार और टाइटलर को कांग्रेस ने टिकट दी थी, विरोध के बाद उन्हें टिकट वापस लेने में मजबूर होना पड़ा था। उसी तरीके से जब पंजाब में चुनाव चल रहा था उन्हें प्रभारी बना के हटाना पड़ा था, तो उसी तरीके से हम चाहते हैं कि जिसने उस समय कांग्रेस ने एक तरह से एक्सेप्ट भी किया क्योंकि उनको लगा कि अगर कमलनाथ को हटाया नहीं जाएगा तो शायद सिखों के वोटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन पंजाब चुनाव के बाद आज उन्हें मुख्यमंत्री बना के फिर से ना बल्कि इनाम दिया गया बल्कि सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कांग्रेस ने किया है।